जैसा कि हमें पता है कि मगरमच्छ जंगल के बड़े ही बदनाम जानवरों में आते हैं, क्योंकि पहली बात तो मगरमच्छ देखने में कितने ज़्यादा दरिंदे होते हैं, और बस दरिंदे दिखते ही नहीं बल्कि होते भी हैं, क्योंकि ये जिस तालाब या पानी में रहते हैं मजाल है कि कोई जानवर उससे पानी की एक बूंद भी पी ले। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मगरमच्छ के कुछ ऐसे ही खतरनाक हमले। सबसे पहले हम जेब्रा से शुरू करते हैं, क्योंकि जंगल में जेब्रा ही ऐसा जानवर है जिसके पीछे सभी शिकारी जानवर हाथ धोकर पड़े रहते हैं। जैसे कि ये जेब्रा जब नदी को पार कर रहे थे, तभी इन दरिंदों ने इनमें से एक जेब्रा को पकड़ लिया, और फिर इन जेब्रा को नदी पार करने की ऐसी सजा मिली जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। इन बिल्डबीस्ट को भी पता है कि पानी के अंदर दरिंदे छुपे हुए हैं, लेकिन क्या करें, पानी तो पीना ही पड़ेगा। जैसे कि ये बिल्डबीस्ट पानी पी रहा था, तो इसे अंदाजा नहीं था कि मौत पानी के नीचे इसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही मगरमच्छ को सही समय लगता है, तो वो इस बिल्डबीस्ट पर हमला कर इसे चारों खाने चित कर देता है। जैसे कि इस इम्पाला को देखो, इसे भी पता है कि मगरमच्छ इसके सामने ही है, लेकिन शायद इसे प्यास बहुत ज़्यादा तेज लगी थी, और अपनी प्यास बुझाते बुझाते इसने मगरमच्छ की भूख भी मिटा दी। दोस्तों, सच में इन जानवरों की मौत पानी पीने की वजह से ही होती है, क्योंकि अगर ये पानी पीने ना गए तो मगरमच्छ की मौत भूख से हो जाएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही तो जंगल का नियम है। अब यहाँ ये बंदर पानी के पास खेल रहे थे, जिनमें से कुछ बंदर पानी पीने के लिए अंदर जाते हैं, तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है और उनमें से एक बंदर के सिर को पकड़कर दबोच लेता है। अब दोस्तों, ये वार्थोंग पूरी तरह से मौत से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके एक तरफ तो खूंखार और जानलेवा जंगली कुत्ते हैं जो इसे काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दबे पांव मगरमच्छ इसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मगरमच्छ को देखते ही जंगली कुत्ते पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण वार्थोंग का पूरा ध्यान उन जंगली कुत्तों पर होता है, और उसी चीज का फायदा उठाकर मगरमच्छ तुरंत झपट्टा मार देता है।